नमस्कार, मैं राम निवास कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखा रहा हूं कतर देश का अल नासर इलाका। कतर देश कैसा है और कतर देश का ये अल नासर इलाका है, पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन मैं बना चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और ये पार्ट टू वीडियो है, काफ़ी शानदार इलाका है। कुछ लोग इसे अलसाद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अलसाद के काफ़ी करीब है, तो अलसाद में ही गिनती कर लेते हैं क्योंकि अल नासर जो है उतना फेमस इलाका नहीं है और अलसाद जो है काफ़ी फेमस पॉपुलर इलाका है, इसलिए अलसाद के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन ये अल नासर, अगर कतर में जो भाई लोग रहे होंगे तो वो समझते होंगे अल नासर का इलाका है। पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन में बनाया हूँ और दिखाता हूँ कतर की बिल्डिंग, कतर के रोड, कतर के रहन सहन, कतर का स्वच्छ बिल्डिंग, स्वच्छ रोड किस तरह के हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी तरह कोई गंदगी नाम का चीज़ नहीं मिलेगा। ये सब मेन रोड नहीं है, ये गांव की गली समझिए, गांव तो नहीं है, आप ऐसे ही गांव यहाँ कह सकते हैं। अगर वहाँ दुकान नहीं है, सिटी नहीं है, तो बस इसी टाइप के यहाँ पे गांव समझ लीजिए, अलग से कोई देहात का गांव नहीं होता है। कोई कोई इलाका कहीं है जो पुराने ज़माने के घर बचे हुए हैं, जिसे अब लेबर या कुल्ली के लिए दे दिया गया, उधर लोग फ्री वीजा वाले लेबर या कुल्ली या कोई कोई कंपनी वाले अपने वर्कर को रखता है। मैं कभी कोशिश करूंगा, मौका मिला तो वो सब दिखाने के लिए कि 100 साल पहले कतर का घर कैसा होता था। अब इसी तरह के घर होते हैं। और यहाँ देखिए कचड़े के सब डब्बे रखे हुए हैं, कचड़ा इधर उधर नहीं फेंका जाता है। ये ऐसा डब्बा सामने वाला बिल्डिंग का होगा, कहीं और दूसरे के बिल्डिंग का यहाँ पर कचड़ा नहीं फेंकता है। हर बिल्डिंग के सामने अपना स्पेशल कचड़े का डब्बा होता है और सुबह सुबह टाइमिंग होता है, कचड़े का एक बड़ा सा गाड़ी आता है गवर्नमेंट का और उसमें सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ये डब्बा को ऑटोमेटिक ऐसे फंसा करके और अपने कचड़े के डब्बे का जो बड़ा सा होता है उसका बॉक्स उसमें डाल लेता है और फिर डब्बा को वहीं रख देता है। तो ऐसा भी नहीं कि उसको उठा करके गाड़ी में डालना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, ऑटोमेटिक सब सिस्टम है और डब्बे में ऐसा कुंडी ऐसा बना हुआ रहता है, उसी में वो फंस जाता है हुक गाड़ी का और उठा करके कचड़ा अपने डब्बे में रख लेता है। ये कतर देश का ये काफ़ी शानदार इलाका, कतर देश कैसा है देख लीजिए। यहाँ की गली, ये गली ऐसा रोड जो है, इसको गली कह सकते हैं, ये मेन रोड नहीं है, इससे गुजरता नहीं है मेन गाड़ियाँ, इधर ही रहने वाले जो भी है बिल्डिंग में गाड़ियाँ या जिससे ज़रूरत है इधर आने का वही सब गाड़ियाँ आता है, तो ये गाँव की गलियाँ कह सकते हैं आप इसको, मेन रोड नहीं है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ के रोड कैसा होता होगा, कितनी शानदार हाईवे होता होगा। एक एक करके मैं सारा कुछ वीडियो कतर से रिलेटेड अपने चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। कतर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं कतर का मार्केट हो या कतर के यहाँ के लोकल घर हो या बिल्डिंग हो, यहाँ के वर्कर का लाइफ स्टाइल हो, खान पान हो, चाहे हाउस ड्राइवर हो उसका रहन सहन हो, उन लोग का रहने का फैसिलिटी रूम, वर्कर का फैसिलिटी, वर्कर का रूम, खान पान, सब मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। कतर का बीच हो, कतर का पार्क हो, वो सब मैं अपने चैनल के माध्यम से करके लाते रहता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और पूरा कतर का ए टू जेड मैं हर सीन को कवर करता हूँ और आप लोगों को घर बैठे अवगत करा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, विदेश घुमा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का एक शौक़ होता है विदेश का, कि विदेश कैसा होता होगा, देख लीजिए विदेश की ये बिल्डिंग, विदेश की ये धरती, ये रोड, यहाँ के नज़ारे आप लोगों को फ्री में बैठे बैठे यहाँ देखने को मिल रहा है। और मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट तो करते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए रोड पर काम चल रहा है, उस सब पाइप रखा हुआ है, पूरे देश में इस वक्त रोड की खुदाई चल रहा है और जो इतना स्वच्छ देख रहे हैं इसका यही राज है कि सारा कुछ सिस्टम जो है धरती के नीचे बिछाया गया है, चाहे पीने के पानी का हो लाइन, वो सीधा धरती के नीचे पाइप से जुड़ा रहता है, या फिर बिल्डिंग के जितने भी कचरे पानी का निकासी हो, सीवेज लाइन, ड्रेनेज कचरे पानी का, वो भी उसका स्पेशल पाइपलाइन है, वो भी धरती के नीचे है। और बिजली का जो लाइन है, केबल है, वो भी धरती के नीचे। यहाँ पे देखिए शानदार बिल्डिंग दिख रहा है, ये रेसिडेंशियल है। और सामने में देखिए एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, काफ़ी शानदार मॉल है, मीरकब मॉल। तो अभी जो आपने बिल्डिंग देखा, इसी मॉल के सारे स्टाफ लोग के लिए रहने के लिए वो बिल्डिंग दिया गया है।
तो चलिए मैं इस मॉल का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी शानदार मॉल है, काफ़ी बड़ा, और काफ़ी इसकी जो बनावट है बिल्कुल ही मुगल कालीन तरीके से बनाया गया है। इसकी जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, आर्किटेक्ट तैयार किया गया है, काफ़ी शानदार तैयार किया गया है। तो चलिए मैं उस मॉल का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक शानदार छोटा सा घर जैसा है, और मॉल सामने में देख रहे हैं जो कि ब्लू कलर जैसा ग्लास से है, मीरकब मॉल वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं उस मॉल का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी सुंदर ये मॉल है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा मॉल है। पहला बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मीरकब मॉल इसको मैं देख रहा हूँ। देखिए काफ़ी ही इसका, देखिए एक सिरा मैं दिखा रहा हूँ इधर से, इतना इधर है, और फिर मैं इधर राइट साइड में भी दिखाऊँगा इधर कितना लंबा है। देखिए इसकी बनावट, देखिए जैसे दिल्ली के संसद भवन पार्लियामेंट की तरह इसका डिज़ाइन किया गया है। और इधर भी देखिए राइट साइड में कितना लंबा, रियल में जैसे लग रहा है कि यह दिल्ली का पार्लियामेंट ही मैं देख रहा हूँ। संसद भवन का जो डिज़ाइन है इसी तरह से पिलर के तरीका से बनाया गया। तो देखिए कितना इधर राइट साइड का मैं जूम करके ला रहा हूँ, इतना बड़ा यहाँ पे। अभी सुबह का यह समय है, सुबह का 7 बज रहा है, मैं इसीलिए सुबह आया हूँ इधर मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए, कि थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम रहता है, क्योंकि फिर गाड़ी इतना चलने लगती है 1-2 घंटे बाद। अभी देखिए 7 बजे सुबह सुबह इतना गाड़ियाँ आपको दिख रही है, 1-2 घंटे बाद जब ड्यूटी का टाइम होता है इतने सारे सब बिल्डिंग के स्टाफ लोग गाड़ी से निकलते हैं कि फिर रोड पे अच्छा से वीडियो बनाना या कवर करना मुश्किल हो जाता है, कि गाड़ी ही दिखेगा सिर्फ, कैमरे के सामने गाड़ियाँ आ जाती है। यहाँ पर देखिए ये साइड भी ये पूरा दुकान है, तो अभी सुबह का टाइम है, अभी खुला नहीं है, कोई कोई दुकान इका दुका खुला है या खुलने का समय हो रहा है। और यहाँ इसी तरह से दुकान होते हैं, इसी तरह के बिल्डिंग में, कोई यहाँ फुटपाथ पे बाहर रोड किनारे दुकान नहीं मिलेंगे, बिल्डिंग में ही मिलेंगे ये सब। देखिए इस तरह का यहाँ पे भी घास लगेंगे, जो मैदान उजला मिट्टी दिख रहा है, देखिए यहाँ का मिट्टी कैसा होता है, इसी तरह का पथरीली वाइट कलर का होता है मिट्टी। और यहाँ पर देखिए अभी सब घास ग्रास ये सब लगाए जा रहे हैं रोड किनारे, ऐसा ऑटोमेटिक सिंचाई होता है, इरीगेटिंग होता है, ब्लैक पाइप देखिए उसके बीच में लगा रहता है, टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिक चलता है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग में इस तरह के दुकान, ये सब दुकान है, और 1-2 घंटे बाद सब धीरे धीरे खुलेंगे। काफ़ी शानदार यहाँ के नज़ारे, और देखिए यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेशल जो वाइट लाइन दिख रहा है ये पार्किंग करने का जगह बनाया गया है, आप इधर उधर रोड पर नहीं पार्क कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती है, ट्रैफिक वाला पुलिस ऑटोमेटिक वो फोटो खींच लेगा, और नेम जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट के थ्रू आपके ईमेल पे फाइन चला जाएगा। तो यहाँ जहाँ तहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते हैं, पार्किंग का एरिया होता है, इलाका होता है, आप वहीं पार्क करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पार्किंग करने के लिए बनाए गए हैं, वाइट कलर से मार्किंग किया गया है, तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। जहाँ तहाँ अगर अनपार्किंग में लोग पार्क कर दिया तो कुछ लोग तो सीधा फ़ोन भी कर देते हैं, यहाँ तुरंत एक फ़ोन पे पुलिस आ जाएगा और बोल देगा कि यहाँ पे अनपार्किंग किया गया है, उसका फ़ोटो ले लेगा। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 3 भी आने वाला है, तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।